हाय स्टूडेंट्स, आज सी ए इंटरमीडिएट सितंबर 24 का फर्स्ट रो का लास्ट पेपर टैक्सेशन ये हो गया है और इस पेपर ने बच्चों को निराश किया है, स्पेशली उन बच्चों को ज़्यादा निराश किया है जिन्होंने शॉर्ट नोट्स पे बिलीव किया या जो पास्ट क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन कंपाइलेशन है उन पे बिलीव किया। हाँ, जिन बच्चों ने आईसीए के स्टडी मटेरियल के प्रोविजन पढ़े हैं उन बच्चों को फिर भी इसमें रिलीफ मिली है, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम हैं जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल के प्रोविजन पढ़ते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ये पेपर ओवरऑल बेसिकली टफ रहा और पेपर लेंथी भी था। प्रोविजन में नए नए इसमें जो ऐसे जो प्रोविजन्स भी आए जो पास्ट एग्जाम में नहीं आए हुए, तो कुल मिला के अगर आईसीआई का स्टडी मटेरियल आपने काम में नहीं लिया तो इस पेपर में प्रॉब्लम आई होगी आप लोगों को। लेकिन इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको जब मैक्सिमम बच्चे अगर मान लीजिए पेपर खराब करेंगे, मार्क्स नहीं आएंगे, तो आईसीआई को ऑटोमेटिक बोनस मार्किंग लूज मार्किंग करनी होती है, तो इसमें आप पास हो जाएंगे या बोनस मार्किंग लूज मार्किंग का अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाएगा और इसमें पास होने की पॉसिबिलिटी है। बस अब आप लोगों को पूरा कंसंट्रेशन अब अगले पेपर पर लगाना है। इस पेपर को चेक करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज हो सकता है कि आपके मार्क्स आपको लग रहा है कि यार सफिशिएंट नहीं आएंगे और आप आगे पेपर देने के लिए मोटिवेट नहीं हो। लेकिन एक चीज बता दूं कि आपने क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा वो तो मैटर करता ही करता है, साथ में ये चीज भी मैटर करती है कि आईसीआई किस पैटर्न से मार्क्स देना चाहती है। इसलिए सही हो गया गलत हो गया ये चेक करना ही नहीं है आपको, न आपको ये कोई वेरीफाई करना है, न मॉडल में से वेरीफाई करना है, न कहीं यूट्यूब से वेरीफाई करना है, न पीडीएफ में वेरीफाई करना है, न बुक में वेरीफाई करना है, कुछ वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। अब आपका अगला कंसंट्रेशन है कि अगले सब्जेक्ट में आप लग जाओ। इसलिए मैं इस पेपर को पूरा डिस्कशन नहीं करूंगा कि कहां से आया क्या नहीं आया, वो अलग इशू है, बाद में देखेंगे। अभी आप लोगों का काम है अगले पेपर के लिए वर्किंग करना, और जो अगला पेपर होगा आपका होगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो अगला पेपर है आपका। तो देखो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर बेसिकली प्रैक्टिकल है और आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन तो थ्योरी का आता ही आता है, साथ में बीच में एक चार पांच नंबर का क्वेश्चन वो और थ्योरी का दे देता है। लेकिन पहली प्रायोरिटी आप रखो कि प्रैक्टिकल पोर्शंस को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो और पढ़ते समय इजी से टफ की तरफ चलो। जो सबसे इजी चैप्टर लगता है आपको उसको सबसे पहले करो, उसके बाद उससे टफ, फिर उससे टफ और मोस्ट टफ सबके लास्ट में। क्यों? क्योंकि अगर मोस्ट ऑफ को लेके बैठ गए और वहां अटक गए तो हो सकता है बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर जाए और आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए कि यार मेरा तो कोर्स ही नहीं हो पा रहा है। इसलिए इजी इजी करते जाओ, जैसे जैसे इजी करते जाओगे ज्यादा ज्यादा पेपर आपका होता जाएगा और आप लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता जाएगा। जितना कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा उतना ही आपका मार्क्स बढ़ता जाएगा। तो अगर इजी से टफ आपको आइडिया है तो ठीक है, आपने जो कर रखा उसके हिसाब से आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपने ऐसा कोई आइडिया नहीं लगा तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जो हमारी एबीसी कैटेगरी है जिसमें ए कैटेगरी के चैप्टर जो है नॉर्मली इजी हैं और उसमें से क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो आप रेफर कर सकते हो, वीएसआई के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और आप वीएसआई का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके और उसमें से आपको ये मिल जाएगा, तो आगे के पेपर्स का रिव्यू मिल जाएगा और आगे की प्लानिंग भी मिल जाएगी कि किस तरीके से आपकी अगली प्लानिंग होगी। और आप वीएसआई का यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब रखें, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें और कमेंट जरूर डालें कि इससे आपको क्या लगा क्या नहीं लगा। और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो देखो, इसमें चैप्टर नंबर 9 है जॉब पोस्टिंग, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लगभग इसमें। चैप्टर 14 है मार्जिन पोस्टिंग, ए कैटेगरी का है। बजट एंड बजटरी कंट्रोल ए कैटेगरी का है। कॉस्ट शीट ए कैटेगरी की है। 5वां एक्टिविटी बेस्ड पोस्टिंग ए कैटेगरी की है। 10वां प्रोसेस एंड ओपन पोस्टिंग ए कैटेगरी का है। मेटल कॉस्ट ए कैटेगरी का है और एम्प्लॉइज कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ए कैटेगरी का। तो 69 मार्क्स के जो चैप्टर है बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद बी कैटेगरी में देखते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, 11th है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, 12th है सर्विस कॉस्टिंग और 1st है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आपकी बी कैटेगरी के हैं। तो पहले ए कैटेगरी करने के बाद बी को करें और लास्ट में सी कैटेगरी के चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं बैठता, फॉर्मूला में दिक्कत रहती है, कुछ बच्चों को समझ में बैठता है उनके लिए एक डिग्री का भी हो सकता है, तो अपने हिसाब से जज कर सकते हो। इस तरीके से जो ओवरहेड है इसमें अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड है, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये सी कैटेगरी में रखे हुए हैं। यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग छोटा सा है तो ये सी कैटेगरी में रखे हुए हैं आपका।
तो कुल मिला के आप लोग पूरा अच्छे तरीके से वर्किंग करें, पॉजिटिव रहकर मेहनत करें, सब चीज सही होगी। जो पेपर हो गया उसको भूल जाओ और अगले पेपर के प्रिपरेशन में लग जाओ। अभी का कोई बैकलॉग हो तो आप अगले पेपर से कवर करो तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। थैंक यू।